बाहर बारिश आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से फिलहाल आज मैंने अल्ताफ भाई और उनके तीनों भाइयों से एक मैंने वादा करवाया है। कितने बच्चे हैं? तीन। और आपके? पांच। और आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और तेज़ हवा है, तेज़ हवा की वजह से बाइक ड्राइव करते हुए मेरे जो बाल हैं वो सारे बिखरे हुए हैं। तो आज हम आए हुए हैं अम्मा जी के घर। अम्मा जी के चार बेटे हैं, दो यहाँ पे रहते हैं और दो का घर वहाँ पे है। तो चार बेटे हैं, इनका सिर्फ एक वाटर पम्प था, वो भी टूटा हुआ था। तो हम यहाँ पे तीन वाटर पम्प इंशाल्लाह लगाएंगे। एक इस घर के सामने लगवा रही हैं, उसका भी काम तकरीबन होने वाला है। और दूसरा जो वाटर पम्प है वो वहाँ पर लगा रहे हैं, और वो जो बेटा है वह अम्मा जी उसी बेटे के साथ रहती हैं। तो इनका सबसे मुझे जो अच्छा लगा है वो इनका मट्टी का किचन मुझे अच्छा लगा है। बहुत प्यारा किचन है और इस किचन से बनी हुई चाय हमने पी ली है। नलका जो है 50 फीट की बोरिंग होगी, क्योंकि 50 फीट से जो पानी की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। तो बाकी माशाल्लाह अम्मा जी हमारे लिए दूसरी बार चाय बना के लेके आई हैं माशाल्लाह। बच्चे को उतर चला रहे थे, वे तो तले खड़े, वे क्या वजह है? बच्चा काबू, बच्चा है ना, कितने सेहतमंद हो के नीचे हो, छोटा सा बच्चा ऊपर है, ख्याल करें। बच्चे ने काम नहीं सीखना। मुझे दो दे। नहीं देना। क्या नाम है आपका? समा। समा? सुहाना। नाइस नेम। और ये नाक में क्या पहना हुआ है? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, ठीक ही में? ठीक है मेरे। और खुशी में वाटर पंप नलका लगदा पाए? नलके नल पानी का मसला हल थी वैसी? जी हां, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी हां। और आपके कितने बच्चे हैं? तीन। तीन। और आपके? पांच। पांच। और आपके? सात। इनके बच्चे देखें, सात पांच छः, कम से कम इनके पांच बच्चे होते हैं। तो अल्लाह पाक खैर करेगा, ये इनके सारे बच्चे हैं एक साइड पे। कैसे हो जी? ठीक हो इंशाल्लाह। तो इन सब के लिए राशन का इंतज़ाम जो होगा वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी करेंगे। अम्मा जी हम इंशाल्लाह राशन लेके आएंगे बहुत जल्द। चलो ठीक है, माशाल्लाह। ओ अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? ठीक हो? खैरियत है? तभी ऐसे ठीक है। ये मेरे जानने वाले हैं, अभी आए हैं, ये हमारे घर के साथ एक दफ़ा गंदम की कटाई करते रहे ना आप, चावलों चावलों की ये कटाई कर रहे थे, तब मुझे वहाँ पे मिले थे। और आपके घर की साइड पे है? अच्छा, ये वाला घर है। और आपके घर? कच्चे मकान है। आपके घर वाटर पम्प है? आप घर भी नहीं है? चले इंशाल्लाह इसके बाद आपके घर काम लगाएंगे इंशाल्लाह जी। आज मैंने अल्ताफ भाई और उनके तीनों भाइयों से एक मैंने वादा करवाया है कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाना। गवर्नमेंट स्कूल में फ्री किताबें दे रहे हैं, फ्री एडमिशन है, फ्री पढ़ा रहे हैं। और आज से मानेंगे मेरी बात? बिल्कुल। अब देखें माशाल्लाह अच्छे खासे इनके बच्चे, ये सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई एक भी पढ़ लेगा सारा कल्चर चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इनके सामने आप वादा करें। हाँ जी इंशाल्लाह पढ़े सुबह। एक हमारी बोरिंग कंप्लीट हो गई है, कांग्रेचुलेशन, योर बोरिंग हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है जी, खुश हो। अब इसमें हमने जी ऊपर पंप लगाना है, दूसरी बोरिंग का जो काम है वो भी मेरे हिसाब से एंडी होगा उसका इंशाल्लाह। ये किस साइड पे बोरिंग डाल रहे हो, यहाँ या वहाँ पे? हेलो छोटे, इतना पैदा पे उठा उठा वास्ते, इसका आखिरी स्टेप रहता है। ए इधर दिखाओ चीज वापस, तो बच्चे को दो। ये लो ये लो ये लो ये लो। बाहर बारिश आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से फिलहाल मैं आ गया हूँ अंकल जी के रूम में। तो ये इनका रूम है और ये रही मेरी मोटरसाइकिल। तो हमारा जो काम था वो भी एंडी था, ऊपर हमने सिर्फ फिटिंग करनी थी। तो जैसे ही बारिश कम होते फिर इंशाल्लाह हम फिटिंग करके यहाँ से घर जाएंगे। के ऊपर एक शापर डाला हुआ है इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं आ रही। तो दुआ करें कि बारिश रुक जाए, यहाँ से हमने घर भी जाना है और घर जाते हुए मुझे 20-25 मिनट लग जाएंगे, तो बारिश में जाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये जो मौसम बाहर की बारिशें होते हैं ये पूरा दिन चलती रहती हैं, मौसम सुबह से ही ख़राब था। तो देखते हैं अगर बारिश नहीं रुकती फिर बारिश में ही हम भाग के जाएंगे घर। बिस्मिल्लाह।
तो बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, हमने अपनी फिटिंग का काम शुरू कर दिया है। और ये पैर कितना बड़ा है यहाँ पर। इस साइड से गंदम की फसल भी मुकम्मल तैयार हो चुकी है और दो चार दिन तक इसकी कटाई का सीजन शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाटर पंप की फिटिंग होगी और मुझे इस बात का डर है कि मेरे मोबाइल में ना पानी चला जाए क्योंकि बारिश भी ऐसा तेज़ हो रही है, बाहर बारिश आ रही है। मेरे मना करने के बावजूद भी अंकल जी बिस्किट मंगवा के आए हैं, तो इंशाल्लाह इनको खाने के बाद मोबाइलों को हमने डाल लेना है शापर में और इंशाल्लाह यहाँ से रवाना। ये अंकल जी आ गए साथ में। ये भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापस घर में आ गया हूँ लेकिन बारिश ने मेरा ये हाल कर दिया है, कपड़े भी गीले और शूज़ तक मेरे गीले हो गए हैं और मुझे ये भी डर है कहीं मेरा मोबाइल भी गीला ना हो गया हो। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक फ्रेश और ताज़ा व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।